फार्मा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रकाश प्रजापत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मा कंसेप्ट फॉर कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के टॉपिक ऑइंटमेंट एंड ऑइंटमेंट बेसिस को डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक पूरा देखें जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। वीडियो के अंत में आपसे गोल्डन क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, आपका एक लाइक या एक कमेंट हमारे अंदर फिर से नए टॉपिक बनाने के लिए हमें एक नई एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें वे गोल्डन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑइंटमेंट की डेफिनेशन के बारे में। तो दीज आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन एंड यूजुअली कंटेन ए मेडिकामेंट। अगर हम बात करें वेरियस ऑइंटमेंट बेसिस की जो कि ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन में काम में आते हैं, तो जनरली ऑइंटमेंट के बेसिस को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट पार्ट ओलिजीनियस बेस, सेकेंड पार्ट एब्जॉर्प्शन बेस, थर्ड पार्ट एमल्शन बेस एंड फोर्थ पार्ट वाटर सोल्यूबल बेस या ग्रीस लेस ऑइंटमेंट बेस। फ्रेंड्स, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की हम बात करें तो ऑइंटमेंट में से हमेशा ऑइंटमेंट बेसिस से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो जब कभी भी हम ऑइंटमेंट टॉपिक के बारे में बात करें तो ऑइंटमेंट बेसिस को हमें अच्छी तरीके से क्लियर करना रहता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करें ओलिजीनियस बेसिस के बारे में, तो इसके जो एग्जाम्पल रहेंगे वो है सॉफ्ट पैराफिन जिसका नाम है पेट्रोलेटम, हार्ड पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, ऑयल्स एंड फैट्स। इसी तरीके से एब्जॉर्प्शन बेसिस के बारे में बात करें तो जनरली ये हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं और इनके एग्जाम्पल होते हैं वूल फैट जिसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस लेनोलिन, हाइड्रस वूल फैट जिसको हम कहते हैं लेनोलिन, वूल एल्कोहल एंड बीजवैक्स। इसी तरीके से जो तीसरी कैटेगरी है हमारी एमल्शन बेस, उसमें से जो एग्जाम्पल आते हैं वो रहेंगे ओ बाई डब्ल्यू एमल्शन बेस एंड डब्ल्यू बाई ओ एमल्शन बेस। फ्रेंड्स, हमने ओ बाई डब्ल्यू एमल्शन बेस और डब्ल्यू बाई ओ एमल्शन बेस के बारे में हमारे टॉपिक एमल्शंस के अंदर भी डिस्कशन कर रखा है। अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आ रहे लिंक पर क्लिक करें जिससे वीडियो के अंत में आप इसको भी ओपन करके देख सकें अथवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके देखें, जहाँ पे हमने एमल्शन के फॉर्मेशन के बारे में, उसके वेरियस टेस्ट के बारे में सब डिस्कस करके बता रखा है। नेक्स्ट देखते हैं हम वाटर सोल्यूबल बेस या ग्रीसलेस ऑइंटमेंट बेस। इसके एग्जाम्पल है कार्बोवैक्सेस जिसे हम पोली इथाइलिन ग्लाइकोल भी कहते हैं, नेस्ट रागाकेंथ, नेस्ट जिलेटिन, नेस्ट पेक्टिन, सेल्यूलोज डेरिवेटिव, बेंटोनाइट एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं इन ऑइंटमेंट बेसिस के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में जो कि एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सबसे पहले ओलिजीनियस बेसिस के बारे में। फ्रेंड्स, दीज आर वाटर इनसोल्यूबल हाइड्रोकार्बन्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स। अगर हम इसके सबसे पहले एग्जाम्पल को देखें यानी सॉफ्ट पैराफिन या पेट्रोलेटम को, तो इट इज़ ए प्योरीफाइड मिक्सचर ऑफ सेमी सॉलिड हाइड्रोकार्बन एंड इट इज़ ऑप्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम सब्सटेंस। ये पेट्रोलियम सब्सटेंस से ऑप्टेन किया जाता है और ये प्योरीफाइड मिक्सचर होता है सेमी सॉलिड हाइड्रोकार्बन का। एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्ट पैराफिन। अगर हम सॉफ्ट पैराफिन की बात करें तो जनरली इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है 38 डिग्री सेल्सियस टू 56 डिग्री सेल्सियस। और इसके जो दो पार्ट्स हैं वो है येलो सॉफ्ट पैराफिन एंड वाइट सॉफ्ट पैराफिन। फ्रेंड्स, हम जनरली दैनिक जीवन में जो हमारी कैंडल या मोमबत्ती आती है उसके अंदर देखें तो वहाँ पे सॉफ्ट पैराफिन ही रहता है। वाइट सॉफ्ट पैराफिन इज नेवर यूज्ड फॉर ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी हम आई ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें हम कभी भी वाइट सॉफ्ट पैराफिन को यूज़ में नहीं लेते हैं। और इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो ये है कि इट कंटेन स्मॉल ट्रेसेज ऑफ ब्लीचिंग एजेंट्स, क्योंकि जो येलो सॉफ्ट पैराफिन है उसी को ब्लीच करके उसका कलर हटाया जाता है और उसी से वाइट सॉफ्ट पैराफिन बनाया जाता है। इसलिए वाइट सॉफ्ट पैराफिन में ट्रेसेज ऑफ ब्लीचिंग एजेंट रहने के चांसेस रहते हैं। और अगर ये मान लो हम ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट में काम में लेंगे तो ये हमारी आइज को इरिटेट करेंगे, इसलिए कभी भी हम वाइट सॉफ्ट पैराफिन को ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट में काम में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लिक्विड पैराफिन। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स
एंड ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम बाय डिस्टिलेशन। इट इज आल्सो कॉल्ड वाइट मिनरल ऑयल और लिक्विड पेट्रोलियम। नेक्स्ट देखें हम, लिक्विड पैराफिन इज यूज्ड अलोंग विथ हार्ड पैराफिन एंड सॉफ्ट पैराफिन टू गेट डिजायर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ ऑइंटमेंट। यानी हमें किस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए ऑइंटमेंट की, उसके अनुसार हम लिक्विड पैराफिन के साथ में हार्ड पैराफिन या फिर सॉफ्ट पैराफिन को यूज़ में ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जनरली हम देखते हैं पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट, जिसको हम आप सभी लोगों ने देख रखा होगा। तो पोविडोन ऑइंटमेंट किस तरीके से होता है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है, उसके अनुसार ही हमारी ऑइंटमेंट की कंसिस्टेंसी होती है। अगर हमें ज़्यादा थिक कंसिस्टेंट वाला ऑइंटमेंट चाहिए तो उस हिसाब से हम हार्ड पैराफिन ज़्यादा मिला देंगे, और अगर थिन कंसिस्टेंसी वाला ऑइंटमेंट चाहिए तो हम उसमें सॉफ्ट पैराफिन ज़्यादा मिलाएंगे। अगर हम बात करें ओलिजीनियस बेसिस के डिसएडवांटेजेस की, तो ये ग्रीसी नेचर के होते हैं, चिपचिपे नेचर के होंगे, स्टिकी होंगे और डिफ़िकल्ट टू रिमूव बोथ फ्रॉम स्किन एंड क्लॉथ। अगर कपड़े पे लग जाए या स्किन पे लग जाए तो इनको रिमूव करना थोड़ा टफ रहता है, ओलिजीनियस बेस वाले जितने कितने भी ऑइंटमेंट होते हैं। दी रिटेन बॉडी हीट, क्योंकि ये वाटर इनसोल्यूबल होते हैं इसलिए ये बॉडी हीट को रिटेन कर देंगे। अगर अपन स्किन के ऊपर लगाएंगे तो वो टेम्परेचर या जो भी मॉइस्चर है उसको बाहर नहीं आने देंगे, जिसकी वजह से अनकंफर्ट फीलिंग होती, एकदम वार्म की, यानी वहाँ पे हल्का सा गर्म महसूस होगा। नेक्स्ट ऑइंटमेंट बेसिस की बात करें तो वो रहेंगे आपके एब्जॉर्प्शन बेस। फ्रेंड्स, एब्जॉर्प्शन बेस हैव प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग कंसिडरेबल क्वान्टिटी ऑफ वाटर। ये वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं, बट स्टिल रिटेन देयर ऑइंटमेंट लाइक कंसिस्टेंसी। फिर भी इनके अंदर ऑइंटमेंट लाइक कंसिस्टेंसी रहती है। इसके अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो सबसे पहला आता है आपका वूल फेट। इट इज़ प्योरीफाइड फेट लाइक सब्सटेंस ऑब्टेंड फ्रॉम वूल ऑफ शीप। जो अपनी शीप होती है, भेड़ होती है, उसकी वूल से इसको प्योरीफाई करके निकाला जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज एनहाइड्रस लेनोलिन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि एनहाइड्रस लेनोलिन क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए ये वूल फेट होता है। एंड इट कैन एब्जॉर्ब 50% ऑफ इट्स वेट ऑफ वाटर। फ्रेंड्स, इट इज़ इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट फॉर सिंपल ऑइंटमेंट बेस एंड ऑफ्थेल्मिक ऑइंटमेंट बेस। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रस वूल फेट, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल मौजूद रहते हैं और इसको हम लेनोलिन भी कहते हैं। ठीक है, इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ईथर एंड एल्कोहल। फ्रेंड्स, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ 70% वेट बाई वेट वूल फेट प्लस 30% वेट बाई वेट प्योरीफाइड वाटर। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको इस पर भी फोकस रखना है। नेक्स्ट देखते हैं वूल एल्कोहल। इट इज ऑब्टेंड फ्रॉम वूल फेट बाई ट्रिएटिंग इट विथ एल्कली एंड सेपरेटिंग द फ्रैक्शन कंटेनिंग कोलेस्ट्रॉल एंड अदर एल्कोहल। नेक्स्ट देखते हैं बीज वैक्स। इट इज ऑब्टेंड फ्रॉम हनी कॉम्ब ऑफ बीज। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उससे जो वैक्स निकाली जाती है उसे हम बोलते हैं बीज वैक्स, और ये एब्जॉर्प्शन बेसिस की तरह वर्क करती है। व्हाइट बीज वैक्स इज ऑब्टेंड फ्रॉम ब्लीचिंग द येलो बीज वैक्स। जिस तरीके से हमने व्हाइट लिक्विड पैराफिन ऑब्टेंड किया था येलो लिक्विड पैराफिन को ब्लीच करके, वैसे ही व्हाइट बीज वैक्स को भी हम येलो बीज वैक्स को ब्लीच करके ऑब्टेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट से संबंधित हमने लगभग 15 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आ रहे लिंक पर क्लिक करके देखें, या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके देखें। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट www.pharmaconcept.in पर भी इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एमल्सियन बेसिस के बारे में, तो दीज आर सेमी सॉलिड और हैव क्रीम लाइक कंसिस्टेंसी and both O by W and W by O emulsions are used as ointment base. Friends, O by W type are more popular because they can be easily removed from skin and O W by O type are greasy and sticky in nature. अब हम बात करते हैं water soluble bases के बारे में। Friends, these are commonly known as greaseless ointment base. यह question भी कई बार पूछा गया है कि इनमें से greaseless ointment base किससे कहा जाता है, तो आपका answer आएगा वाटर सोल्यूबल बेसिस। दीज आर पॉपुलरली कार्बोवैक्सेस दैट इज पोली इथाइलिन ग्लाइकोल पॉलीमर्स। फ्रेंड्स, कार्बोवैक्सेस आर वाटर सोल्यूबल नॉन वोलेटाइल एंड इनर्ट सब्सटेंस। देयर मोलिकुलर वेट वेरीज फ्रॉम 200 to 8000, और उसी के अनुसार पोली इथाइलिन ग्लाइकोल का नाम दिया जाता है। बाई मिक्सिंग डिफरेंट कार्बोवैक्सेस ऑइंटमेंट ऑफ वेरिंग कंसिस्टेंसी कैन बी ऑब्टेन। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स,
ऑइंटमेंट एग्जिबिट प्लास्टिक फ्लो। अगर किसी एग्जाम में इसके फ्लो के बारे में पूछा जाता है तो ये प्लास्टिक फ्लो एग्जिबिट करते हैं और इनके ऑइंटमेंट बेसिस का जो पीएच रहता है वो लगभग 5.5 के आसपास रहता है। द मोस्ट पॉपुलर ऑइंटमेंट मिल इज ट्रिपर रोलर मिल, जिसके द्वारा ऑइंटमेंट को बनाया जाता है। पेट्रोलेटम बेसिस कैन बी स्टेरिलाइज इन ए हॉट एयर ओवन एट 175 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 hours एंड द सिंपल मेथड यूज फॉर स्टेरिलाइजिंग ऑइंटमेंट ट्यूब इज इमर्सिंग देम इन 70% एल्कोहल फॉर 24 hours प्रायर टू देयर यूज। जब कभी भी हम उसको यूज लेंगे उससे 24 hours पहले ही हम उनको 70% एल्कोहल में इमर्स कर देंगे जिससे कि वो स्टेरिलाइज हो जाए। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन के मेथड की तो जनरली 4 methods यूज में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्राइचुरेशन मेथड, जिसमें हम स्पेचुला के द्वारा ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन करते हैं और इनके एग्जांपल है सल्फर ऑइंटमेंट एंड बेंजोइक एसिड ऑइंटमेंट। ये भी कई बार पूछा जाता है कि विटफील्ड्स ऑइंटमेंट किसका दूसरा नाम है, तो आपका आंसर रहेगा बेंजोइक एसिड ऑइंटमेंट का। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूजन मेथड एंड दीज आर यूज्ड व्हेन इंग्रेडिएंट आर ऑफ डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। अगर 2 अलग-अलग मेल्टिंग पॉइंट के इंग्रेडिएंट हैं तो हम फ्यूजन मेथड यूज में लेते हैं। इसमें दोनों अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट वाले को हम मेल्ट करते हैं सेपरेटली और उसके बाद उन दोनों को मिक्स करते हैं और स्लोली स्लोली स्टीरिंग करते हुए, जिससे कि वो फ्यूज हो जाए और ऑइंटमेंट बेस हमारा प्रिपेयर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल मेथड, इसका एग्जांपल है आपका स्ट्रॉन्ग आयोडीन ऑइंटमेंट एंड लास्ट एमल्सिफिकेशन मेथड। तो फ्रेंड्स, हमने फार्मेसी सब्जेक्ट से संबंधित अब तक 110 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उन सबको देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारी वेबसाइट के लिंक या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक को आप ओपन करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया है आज के गोल्डन क्वेश्चन का। द गोल्डन क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज लेनोलिन इज ऑप्शन ए हाइड्रोसल्फेट, ऑप्शन बी एन हाइड्रोसल्फेट, ऑप्शन सी वुल एल्कोहल एंड ऑप्शन डी बीज़वैक्स। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज आपको सही समय पर मिलते रहें। मैं राम प्रकाश प्रजापत आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।